हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए आज हम चेक करते हैं नॉट पावरिंग ऑन मदरबोर्ड को, जिसका मॉडल नंबर आप यहां देख रहे हैं IB250MH। और यहां पे जो इसमें प्रोसेसर लग रहा है दोस्तों, देखिए कोर i3 7100 यानी कि 7th जनरेशन का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। देखिए आप क्लियर अब आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसमें बताऊंगा कि नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन मदरबोर्ड में हम क्या ट्रबल शूट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या इसमें फॉल्ट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पे कितने पिन कनेक्टर है, 1 2 3 4 5 10 पिन कनेक्टर इसमें SMPS लगती है। और आप देखेंगे कि SMPS को भी किस तरह हम चेक करते हैं और मदरबोर्ड को किस तरह चेक करते हैं, जो कि ये नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में है और इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए SMPS को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये 4 वोल्ट होता है कनेक्टर। ठीक है, तो इसमें 12 वोल्ट कनेक्टर वोल्टेज बनती है, जो कि CPU को सप्लाई देती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पावर प्लगिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पावर को प्लगिंग कर लिया है SMPS से, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये इसका पैनल है, पावर ऑन ऑफ पैनल। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले हम एनालाइजर लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा मदरबोर्ड ऑन कंडीशन में हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ LED होती हैं जो कि कोडिंग दिखाती हैं और LED बिलिंग करती है। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट करके 1 2 को शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में है। और चलिए वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं हमारा पैनल पे कितना वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को DC रेंज पे रखेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देखें, DC रेंज पे हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है 20 पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रख लेते हैं और ग्राउंड के रेस्पेक्ट से हम चेक कर लेते हैं। एक ग्राउंड लगा के कहीं भी आप यहाँ पे देखें, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 0.71 आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा यदि पावर ऑन नहीं हो रहा है तो हमारा वोल्टेज कहीं ना कहीं इसमें वोल्टेज हमारा कहीं ना कहीं इसमें स्टक हो गया है 1G के, जो कि कंज्यूम वोल्टेज। देखिए यहाँ पे वोल्टेज इसमें नहीं आ रहा है पैनल पे। ठीक है, तो इसमें जो सर्किट है, इस सर्किट डायग्राम आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे सर्च मार के ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में ये वोल्टेज हमारा यहाँ तक पैनल तक नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कुछ कंपोनेंट जो कि वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहाँ पे, तो उस कंडीशन में देखते हैं हम कहाँ हमारी वोल्टेज इसमें स्टक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिसकनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिसकनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम देखिए, ये PCH होता है हमारा, जो कि पावर कंट्रोलर हब होता है। ठीक है, इसका भी कारण हो सकता है हमारा नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन मदरबोर्ड में। और यहाँ पे देखिए आपका ये IO चिप है, इनपुट आउटपुट IC है IT की, तो ये भी हमारा रेस्पॉन्सिबल होती है नॉट पावरिंग ऑन मदरबोर्ड होने में। ठीक है, और तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम इसको आपका जो PCH होता है इसको कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे PCH कंट्रोलर को चेक करते हैं ये हमारा फॉल्टी है या हमारा गुड कंडीशन में है। तो मल्टीमीटर को आप देखेंगे यहाँ पे बीप रेंज पे रखेंगे, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर, ये देखिए कैपेसिटर है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। यदि ये हमारा कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट है और 0 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है दोस्तों, 0। ठीक है, तो आप समझ जाइए हमारा ये PCH कंट्रोलर हब ये हमारा फॉल्टी है, जिसके कारण से हमारा नॉट पावरिंग ऑन मदरबोर्ड कंडीशन में है। आपके पास यदि इस तरह का कोई भी मदरबोर्ड है तो आप सबसे पहले आप PCH को अपना
चेक कर लें, जो कि पावर कंट्रोलर हब होता है, इसी के कारण से आपका नॉट पावरिंग ऑन मदरबोर्ड हो जाता है दोस्तों। दूसरा स्टेप इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए पीसीएच के ऊपर जितने भी ये कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह। तो देखिए 0.1 दिखा रहा है और बीप दिखा रहा है, तो बीप दिखाने का मतलब दोस्तों ये देखिए आप किसी भी इसमें चेक करेंगे तो ये 110% बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है दोस्तों, जिसके कारण से ये हमारा बीप दे रहा है, ठीक है। तो यही कंडीशन है इस मदरबोर्ड में, जो कि हमारा 7th generation का प्रोसेसर लगता है, DDR4 रैम लगती है और जिसका मॉडल नंबर IB250MH है। तो ये हमारा PCH इसमें फॉल्टी है, पावर कंट्रोलर हब। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि इस तरह आपके पास कोई मदरबोर्ड है तो आप सबसे पहले उसका PCH चेक कर लें, क्योंकि ये इस कंडीशन में ये नॉट रिपेयरेबल मदरबोर्ड होता है और इसका कोई फीचर नहीं है। यदि आप इसको VGA चिप से यदि रिवॉल्व करा के लगाएंगे तो बेटर यही ऑप्शन है, या आप रिफर्बिश खरीद लें या अपना नया मदरबोर्ड परचेज कर लें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे टेक्निकल फॉल्ट के साथ, जुड़े रहें राजू स्पेस TRC टेक के साथ, धन्यवाद।